दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और हार्दिक पांड्या को भी, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले को लेकर हार्दिक पांड्या ने जहां सीएसके को हराने पर अपना बयान दे डाला है, तो अब धोनी ने भी उन्हें करारा जवाब देते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। आखिरकार इस पहले युद्ध पर क्या बोले हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अपने जवाब में, और पांड्या ने ऐसा भी क्या कह दिया कि धोनी को जवाब देना पड़ गया। आपको दोनों के बयान का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आईपीएल 2023 के इस पहले घमासान मुकाबले को कौन जीतेगा, गुजरात टाइटंस या चेन्नई सुपर किंग्स? नीचे कमेंट सेक्शन में उस टीम का नाम बताना हमें नहीं भूलिएगा। दोस्तों, चंद घंटों के बाद आईपीएल 2023 का आगाज होने वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार जैसा आईपीएल रहा था, उससे दोगुनी ज्यादा एक्साइटमेंट इस बार है आईपीएल को लेकर। आईपीएल 2023 को देखने के लिए अभी से ही प्रैक्टिस के मैचों में ही दोस्तों जमावड़ा लग रहा है, और इस बार मार्केटिंग भी इतनी अच्छी की जा रही है, तो आईपीएल 2023 तो गजब होगा, इस बात में कोई शक नहीं। और ऊपर से दोस्तों, आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है, वो भी दो सबसे बड़ी टीमों के बीच में, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस पांड्या की टीम। एक तरफ है दोस्तों अनुभव जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन एक तरफ ऐसा जोश है जिस तरफ दोस्तों पांड्या ने कप्तानी संभालते हुए पहले सीजन में ही इस टीम को कप दिला दिया। बड़े से बड़ी टीमें दोस्तों ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन पांड्या ने यही कर दिया, और दोस्तों इसी के चलते लगता है कि पांड्या में थोड़ा बहुत घमंड भी आ चुका है, जिसके चलते सीएसके को हराने पर पहले मैच से पहले ही दोस्तों पांड्या की जबान ज्यादा चली है, और उन्होंने अपनी जबान से कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर धोनी को भी जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरकार दोस्तों, इस पहले मुकाबले को लेकर हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पांड्या ने इस पहले व खास मुकाबले पर कहा, पिछली बार में आईपीएल जिस तरीके से जीते थे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार फिर से गुजरात के खेमे से जुड़ने के बाद जो ऊर्जा शरीर में आई है, उसे मैं महसूस कर सकता हूं, और हमारी टीम का हर एक सदस्य भी। अब केवल एक ही टारगेट है, चेन्नई से पहले मुकाबले को जीतना है, और हर हाल में चेन्नई को तो इस पहले मैच में हाराना ही है, तभी हमारी टीम के खिलाड़ियों को वो मनोबल आएगा जो हमारी टीम को इस टूर्नामेंट भी जिताएगा। चेन्नई की टीम को अगर हम हरा पाए तो जाहिर सी बात है सबसे मजबूत टीम तो हार ही जाएगी, और अगर चेन्नई जैसी मजबूत सीढ़ी को हम लांग गए तो बाकी टीमों को हराना फिर ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों, एक रिपोर्टर ने इस बीच पांड्या से पूछा कि क्या चेन्नई को हरा पाना इतना आसान है, तो दोस्तों पांड्या ने हंसते हुए कहा कि मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, यही वाक्य धोनी के साथ भी हुआ, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दोनों खिलाड़ी मौजूद थे, और इस बीच दोस्तों धोनी ने पांड्या की इस हरकत पर उन्हें जवाब भी दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को इसी विवादित बयान पर जवाब देते हुए कहा, देखिए, हार और जीत तो उसी की होती है जो मैदान में अच्छा और खराब प्रदर्शन करता है, और रही बात गुजरात की टीम से जीतने की, तो हमारी टीम में भी अनुभवी खिलाड़ियों की कमी नहीं, और अब तो युवा खिलाड़ियों का जोश भी जुड़ चुका है, तो चेन्नई की टीम में भी वो ताकत है जो काफी है गुजरात की टीम को पछाड़ने के लिए। रही बात हार्दिक पांड्या की जबानी जंग की, तो एक सीनियर होने के नाते उन्हें केवल एक यही सलाह देना चाहूंगा कि वो एक अच्छे कप्तान है, अच्छे खिलाड़ी है, और उतने ही अच्छे इंसान भी है। वो अपनी जबान से नहीं, मैदान में अपने परफॉर्मेंस से जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उनकी टीम ज्यादा जीत पाएगी, वरना ऐसे विवादित बयानों से टीमें जीता नहीं करती, उल्टा हार जाती हैं। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का जवाब जितना करारा है, उसमें उतना ही दम भी है, क्योंकि वाकई में दोस्तों अगर चेन्नई और गुजरात के बीच मुकाबला होता है तो यह बता पाना मुश्किल होता है कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इनके बीच में होने वाले पहले मैच को कौन सी टीम जीत कर दिखाएगी, चेन्नई या गुजरात? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।